उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में बुधवार सुबह 4 बच्चों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे की वजह बनी जहरीली टॉफी। बच्चे की पहचान 6 साल की मंजना, 3 साल की स्वीटी, 2 साल की समर और 5 साल के आयुष के रूप में। आपको बता दें कि घर के बाहर पड़ी मिली थी टॉफी। घटना के संबंध में परिवार वालों का कहना है कि सुबह बच्चे 6 बजे सोकर उठे थे और घर के बाहर खेलने चले गए। दरवाजे पर ही उन्हें कुछ सिक्के और टॉफी बिखरी हुई मिली थी। बच्चों ने उन्हें बटोर लिया और टॉफी खोलकर खाने लगे। कुछ समय ही वह अचेत हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के निर्देश दिए और घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी निर्देश दिए गए। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये दुखद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हमारा बच्चा हम सो कर उठा सुबह सुबह वाला पिल्ला को घुमाने लगा लैट्रिन के, तब तक दीवार पे टॉफी फेंका था तो मैंने नहीं कर किया। तब बच्चे लोग टॉफी उठा कर सब खा लिए, तीनों चारों बच्चे। एक आदमी दो आदमी मिलकर 3 दिन से मुझे धमकी दे रहा था कि 4-5 आदमी को मारेंगे इस राह में। अच्छा, अभी तुम्हारे कितने बच्चे मरे हैं? 3 बच्चे, एक मंजना है 5 साल के, स्वीटी है हमारी 3 साल के लड़की है, असो मरे लड़का 2 साल के। ये 3 बच्चे तुम्हारे मरे हैं? और पड़ोस के भी कोई मरे हैं? और मेरी